नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। ये स्टॉक 9.75 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.50% का डाउन मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 954 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 54.90% है। बुक वैल्यू इसकी 2.49 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एक्सप्लेन किए हैं। अभी शॉर्ट में बता दूँ तो बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, विच इज़ अ लॉन्ग ग्रेन राइस। बासमती राइस के बारे में सारे जानते हैं ऑफकोर्स। एंड ये स्टॉक अभी 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो 5 ईयर्स में पी रेशो मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, हालांकि करेक्ट होके आ चुकी है, बट अभी ग्रोथ पीरियड में है तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा क्या काफ़ी हिला हुआ है यहाँ पे। बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रही हैं, पहले से काफ़ी कम चल रही हैं पर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्टॉक में एक काफ़ी गुड न्यूज़ आई है, जो 5th को न्यूज़ आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए ये अपने स्ट्रांग सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं अपने स्ट्रांग सपोर्ट पे ही है एक तरह से अभी, एंड होपफुली यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। और रिवर्सल की बात मैं क्यों कर रही हूँ, रिवर्सल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, उसके लिए जाना पड़ेगा हमें बीएससी पे। बीएससी पे देखिए वैसे तो ये एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है, प्राइस बैंड इसका 5% का है, बट मुझे लगता है रिवर्सल मिलेगा। वो ये है, इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है, 12 फरवरी को इन्होंने बात करी थी इसके बारे में, एंड अब इन्होंने कंपनी 100% एक्वायर कर ली है। तो ये कंपनी क्या है, तो बेसिकली ये कंपनी क्या है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया है, दिस इज इन कंटिन्यूशन टू आर अर्लियर इंटीमेशन डेटेड February 12, 2024 रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ 100% ऑर्डिनरी शेयर, दैट इज 1 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 1 Singapore dollar एंड बिजनेस ऑफ ग्रीन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज बी इनफॉर्म ओके तो हेंस देयरफॉर, तो इन्होंने बेसिकली इस कंपनी इस न्यूज़ में बताया कि इन्होंने 100% एक्वायर कर लिया है इसको, ग्रीन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड जो है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ये इसका एड्रेस है कहाँ पे वो रजिस्टर हुई है। एंड इसका टर्नओवर क्या था, तो पिछले साल का इसका टर्नओवर था 31,39,471, मैं गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, हाँ जी 31,39,471 US dollars का था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो यहाँ पे स्टेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी March 31, 2023 की। ठीक है, इसमें ये है ये करते क्या है, तो बेसिकली इनका होलसेल बिजनेस है ऑफ जर्नल लाइन, वाइड रेंज है जिसमें ग्रॉसरीज हैं, सीरियल्स हैं, शुगर हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, सॉसेज हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल हैं, लाइव एनिमल्स हैं, लॉग्स हैं, सॉज, टिम्बर, प्लाईवुड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली इनका वाइड रेंज है एंड ये होलसेल में काम करते हैं। टर्नओवर इनका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बताया है कि नेचर ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इन्होंने क्यों एक्वायर किया है, तो इन्होंने स्ट्रेटजिक नेचर एंड इट विल प्रोवाइड इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड स्ट्रेटजिक पार्टनर टू ब्रिंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली इनका पर्पज क्या था इसको एक्वायर करने का, एक तो देखिए ये खुद भी बासमती राइस में है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसी टाइप की इन्होंने यहाँ पे ये कंपनी को एक्वायर किया है, सिंगापुर की कंपनी। टर्नओवर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड 100% इसको एक्वायर कर लिया, तो उसी इसमें है, मतलब सेक्टर अगर देखा जाए तो उसी में है। एंड उन्होंने क्यों किया है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाने के लिए किया है बेसिकली, एंड ऑफकोर्स टर्नओवर तो काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पर बताया है एक्विजिशन कम्प्लीट हो चुकी है, कैश एंड कितना दिया है, 100% शेयर्स इनके पास हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, इसका टर्नओवर क्या है, तो 2023 का ये है, उससे पहले 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 41,80,783 था, उससे पहले था 28,99,002। तो US dollars में है, ये रुपीज में नहीं है, अमेरिकन डॉलर्स में है, तो मतलब अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो करके देख सकते हैं एक बार। तो ये मतलब काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ के चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिलना चाहिए। अब देखिए बड़ी बार ऐसा होता है
रिवर्सल मिल भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस पे है, स्ट्रगल कर रही है, वॉलीटिलिटी है उसमें, तो कई बार सपोर्ट नहीं मिलता तो नहीं भी रिवर्सल मिलता है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अपर सर्किट में इसको लॉक होना चाहिए, 5% का ही सर्किट है, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, तो अपर सर्किट में लॉक होना चाहिए। एंड एक बार देख लेते हैं कि ये जो है SM4 की लिस्ट में कब गया है। तो ASM लिस्ट तो ये कब गया है, 4 में 19th ऑफ फरवरी को गया है, काफी भाग चुका होगा, तो 19th ऑफ फरवरी को गया है। उसके पहले हम देख लेते हैं ये कितना भागा, तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा ये भाग गया था, तो 14 फरवरी को भागा था ये, यहाँ पे चला गया था ये SM4 में, उसके बाद भी ये काफी भागा है, दिए हैं इसने मूव, अपर सर्किट में लॉक हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया है एंड फिर लोअर सर्किट में लॉक हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे को वॉल्यूम आया था 5.73 मिलियन का एंड थर्सडे को वॉल्यूम आया था लगभग 5 मिलियन का, तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एंड मुझे लगता है कि पर डाउन मूव मिला था हमें, मुझे लगता है कल रिवर्सल दे सकता है एंड RSI भी उस पॉइंट पे है कि रिवर्सल मिलना चाहिए, मतलब स्टॉक बोल रहा है कि दे दो प्लीज रिवर्सल दे दो, तो ये न्यूज भी काफी अच्छी है, तो उम्मीद है कि रिवर्सल मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की यहाँ पे एंट्री बना के एक बार चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका सपोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पे लेके चला है एंड स्ट्रांग सपोर्ट पे है ये भी, तो रिवर्सल वैसे भी मुझे लगता है कि मिलना चाहिए था इसको। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री बना के चलते हैं। देखिए ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये काफ़ी स्ट्रांग है इसकी, हम यहाँ का लेके चलते हैं कि इस ट्रेडिंग वीक में, ये जो ट्रेडिंग वीक हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है मंडे से, तो हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन में मुझे लगता है कि इतना तो ये हमें दे सकता है, अगर 2 भी अपर सर्किट मिल गए तो हम, मुझे लगता है वी आर गुड टू गो राइट, एंड अगर लोअर भी थोड़ी सी करेक्शन भी होती है तब भी हमारे पास 4 दिन है, हो सकता है हम यहाँ तक पहुँच जाएँ। एंड इसके बीच में रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, एक बार देख लेते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा ना येलो कर देता है क्योंकि इतनी हैवी नहीं है। फिर उसके बाद की रेजिस्टेंस जो है, उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस आने वाली है, बहुत छोटू सी उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमें ये वाली रेजिस्टेंस मिलने वाली है जहाँ से ये रिवर्सल भी लेता है, यहाँ से देखिए ये वाली रेजिस्टेंस, यहीं से रिवर्सल लेके आया है इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। उसके बाद हमें हर्डल्स तो काफ़ी सारे आने वाले हैं इसमें, क्योंकि मेन दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि 5% का बैंड है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें आएगी हर्डल। तो इतने से पीरियड में हमें 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस मिल रही हैं, तो अब देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं हम। तो अभी के लिए एंट्री का देखें हम 5% कहाँ पे होता है, तो लगभग ये होता है 5%, मुझे लगता है यहाँ पे आ सकता है ये 10.25 का यहाँ पे बनता है। एक बार इसका सर्किट तो दिया होगा तो देख लेते हैं कहाँ तक जा सकता है, 10.25 ही है यहाँ पे एंड 5% का यहीं पे बनता है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ का मूव मिल सके कल, उम्मीद तो कर सकते हैं, लेट्स सी कहाँ तक का मूव मिलता है। एंड लॉन्ग टर्म का मूव लेके चलें तो वैसे तो मुझे लगता है रिवर्सल मिलना चाहिए यहाँ पे, वैसे भी अगर ये न्यूज़ नहीं होती तब भी मुझे लगता है रिवर्सल मिलना चाहिए था, स्ट्रांग सपोर्ट है, तो लॉन्ग टर्म का हम लेके चलते हैं यहाँ तक का, पर वो हम लेके चलेंगे जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। देखिए क्वार्टर का रिजल्ट जो आता है वो 1-1.5 महीने बाद आता है, बट कई बार जल्दी भी दे देते हैं, इलेक्शन का टाइम है, सेंटीमेंट्स रहेंगे, क्या पता जल्दी दे दें या हो सकता है लेट दें, तो मैं यहाँ पे आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ, 30-40 डेज का लेके चली हूँ मैं कि मुझे लगता है कि उतने में ये दे सकता है यहाँ पे, पर 5% का ही प्राइस बैंड है, वो भी ध्यान में रखिएगा, SM4 में है ये, वॉल्यूम ड्राई रहेगा यहाँ पे, बट ड्राई वॉल्यूम के साथ भी ये 20-20 मिलियन चला ही हुआ है वॉल्यूम इसमें, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा मूव दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।